नमस्कार। आपदा का सामना में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं ऋतु वर्मा। पूरा विश्व इस समय कोविड-19 के संक्रमण से जूझ रहा है। कोविड संक्रमित मरीज कई तरह के मानसिक तनाव से भी गुजर रहे हैं। हालांकि भारत में संक्रमण के मामलों के साथ ही तेजी से रिकवरी दर भी लगातार बढ़ रहा है। इस आपदा में एनडीएमए ने अप्रैल महीने में एक ऐप के जरिए इन मरीजों के डर, तनाव और अकेलेपन को दूर करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया। अप्रैल में एनडीएमए ने अपने काउंसलर्स को इन मरीजों को परामर्श के जरिए मानसिक तनाव से उबरने में और इस बीमारी से निपटने के लिए मानसिक रूप से तैयार किया। एनडीएमए ने कोरोना मरीजों से जुड़ने के लिए एक ऐप बनाया और परामर्शदाताओं को ऐप के जरिए नंबर दिए जाते थे कोविड-19 के मरीजों के, लेकिन एक एहतियात भी बरता जाता था, कोरोना मरीजों का नंबर और पहचान सार्वजनिक नहीं की जाती थी। अब वो कुछ ऐसे मामले हैं जो मानसिक तनाव के हैं, जिसमें अवसाद, चिंता, अकेलापन, अनिद्रा, ये जो मानसिक तनाव है इसे कम करने के लिए एनडीएमए के काउंसलर्स ने इन मरीजों से बात की और अप्रैल से अक्टूबर तक के महीने में तकरीबन 50,000 कोविड मरीजों से संपर्क किया है इन काउंसलर्स ने और अभी तक 40,000 मरीज परामर्श से बेहतर हुए हैं। तो इस तरह से एनडीएमए लगातार काम करता रहा है इस दौरान, और आगे भी किस तरह के मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं कोविड-19 के मरीज और किस तरह की काउंसलिंग की जरूरत है, इस पर आज विस्तार से बात करेंगे। एनडीएमए ने अपने प्रयास के तहत, इस प्रयोग के तहत उनके क्या अनुभव रहे, इसे भी साझा करेंगे। हमारे साथ तीन मेहमान जुड़ रहे हैं इस चर्चा में। संदीप पौंड्रिक साहब हैं, ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं एनडीएमए से, आपका बहुत बहुत स्वागत है संदीप जी। हमारे साथ श्री जय कुमार हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ एंड न्यूरोसाइंसेस बेंगलुरु से, आपका बहुत बहुत स्वागत है जय कुमार जी। और हमारे साथ डॉक्टर चेतना दुग्गल हैं, एसोसिएट प्रोफेसर हैं टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंसेस, और टिस ने ही एनडीएमए के काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी है किस तरह से वो कोविड-19 के मरीजों के साथ बात करें और उनको मानसिक रूप से और मजबूत बनाए कि वो इस बीमारी से लड़ सके और साथ ही साथ समाज में भी, क्योंकि कुछ हमने तरह की भी घटनाएं देखी जिसमें सामाजिक दबाव भी इन मरीजों को झेलना पड़ा है, तो उससे कैसे उपरे। आप तीनों का ही इस कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले संदीप साहब आपसे शुरू करना चाहेंगे और जानना चाहेंगे, एनडीएमए को अभी तक हम सब लोगों ने तमाम आपदाओं में एक अलग भूमिका में देखा है, लेकिन कोविड-19 के इस दौर में, इस संकट में एनडीएमए अपने एक नए प्रयास, एक नए भूमिका के साथ शायद लोगों के साथ जुड़ा है जो पर्दे के पीछे बहुत ज्यादा रहा है। हम जानना चाहेंगे अनुभव क्या रहा, क्या चुनौतियां रही इस पूरे प्रयास के दौरान, इस 4-5 महीने में। धन्यवाद। देखिए, ऐसा है कि जब भी कोई आपदा आती है, चाहे वो भूकंप हो या बाढ़ हो या साइक्लोन हो, तो उन सभी में अभी तक पुराना यह सोच था कि लोगों को शारीरिक रूप से नुकसान होता है और उसके कारण उनके लिए रेस्पॉन्स करना चाहिए, उनको सहायता पहुंचानी चाहिए। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में ये बात निकल के सामने आई है कि जो पीड़ित लोग हैं उन्हें मानसिक रूप से भी उतना ही नुकसान होता है और उस समय उनको मानसिक सहायता की बहुत जरूरत होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अप्रैल में एनडीएमए ने ये प्रयास चालू किया। एनडीएमए के पास एक अतिरिक्त सूचना थी कि जो कोविड-19 के मरीज थे उनके फोन नंबर एनडीएमए के पास थे, तो हमने उसका उपयोग किया। और चूंकि आप जानते हैं कि कोविड-19 के जो मरीज थे, चूंकि ये एक कंटीजियस बीमारी है, तो उन तक शारीरिक रूप से, फिजिकल रूप से लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, चाहे उनके रिलेटिव हों या डॉक्टर्स हों, तो हमने एक फोन ऐप के माध्यम से काउंसलर्स की एक टीम बनाकर उनको मानसिक सहायता देना चालू किया। और शुरुआत से ही इसके बहुत अच्छे हमको परिणाम मिले, बहुत अच्छा फीडबैक मिला, क्योंकि वो सभी लोग बहुत चिंता में थे, खासकर शुरुआत में अप्रैल मई में, और उसके बाद वो अकेलापन भी था उनमें, और उनको कोई अपने रिलेटिव से या मित्रों से कोई उनसे मिल नहीं पा रहा था। तो इसलिए ये हमारे जो काउंसलर्स थे, जो सभी वॉलंटियर्स रूप से अपने स्वयं जुड़े थे हमारे कहने पे, उन्होंने अपना समय दिया, सब लोगों ने 10 से 20 मरीजों को डेली फोन किया और इसके कारण उन मरीजों को बहुत फायदा हुआ, उन्होंने बहुत अच्छा हमको फीडबैक दिया। बाद में इस प्रयास को बढ़ाया गया और हमने फिर कुछ टोकन ऑनरेरियम भी काउंसलर्स को देना चालू किया। इसके अलावा हमने टिस को भी जोड़ा,
क्योंकि इन सभी काउंसलर्स के लिए भी एक नया प्रयास था, क्योंकि इस तरह की पेंडेमिक पहली बार बहुत सालों में इस तरह की बड़ी आपदा आई है। तो हमने टिस्को जोड़ा कि वो तकनीकी रूप से सभी काउंसलर के साथ जुड़े और उन्हें सहायता पहुंचाए। तो कुल मिलाकर ये एक बहुत ही उत्साहवर्धक रिजल्ट रहा है। हालांकि कुल मरीजों के मुकाबले में हम बहुत कम मरीजों तक पहुंच पाए हैं, पर जितने मरीजों तक पहुंचे हैं मुझे लगता है कि उनको एनडीएमए ने काफी सहायता पहुंचाई है। जी, जय कुमार जी भी हमारे साथ हैं। जय कुमार जी, जब हम बात करते हैं कोविड-19 के मरीजों की, इन मरीजों के लिए ये जो मानसिक तनाव था, इससे निपटना कितनी बड़ी इनके लिए खुद में एक चुनौती थी, क्योंकि एक तरफ तो ये बीमारी थी जिसकी देखभाल, जिसमें आप किसी से मिल नहीं सकते, कोई आपके नजदीक नहीं आ सकता है, इसके साथ साथ और अन्य तनाव, तो इसमें कितना जरूरी था इस तरह की काउंसलिंग का, और जो प्रयास एनडीएमए ने किया है और देश भर में क्या इस तरह के प्रयास और भी तमाम स्वयंसेवी संस्थाओं के जरिए भी किए जा रहे हैं? सर, हमें लगता है आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच रही, आपका म्यूट बटन शायद बंद है, उसे अगर क्या आप। है? जी I'm sorry. जी आप सही प्रश्न पूछा है। ये महामारी है, ये सबके ऊपर फैला हुआ है, सब सब लोग इसमें पीड़ित है। इसमें खास तरफ एक चीज बोला जाता है, वो आपदाओं का मानसिक दबाव के वजह से क्या क्या होता है। खास तरफ चार एरिया से, हमारा व्यक्तिगत जीवन से और पारिवारिक जीवन से और सामाजिक जीवन से, ये चार इश्यूज में ये अफेक्ट होता है। वो है शारीरिक तरफ से बहुत लोगों को ये अफेक्ट है, और मानसिक तरीके से और सामाजिक तरीके से और इकोनॉमिक तरीके से। इसमें क्या चीज है, हम लोग ये डिजास्टर मेंटल हेल्थ जो मानव सामाजिक प्रिंसिपल्स कहते हैं, तो एक तो एक एक्चुअली जुड़े हुए हैं। अगर एक में परिवर्तन आया तो उसका असर जरूर एक्चुअली हमारा मानसिक इस रूप में आ जाता है। तो किसी को नौकरी चला गया है, किसी के लांकित हुआ है, भेदभाव किया है लोग, और किसी का नींद नहीं आया है, सबका असर ये मानसिक रूप में आ जाता है। तो ये क्रॉस कटिंग है, इसके वजह से एक्चुअली इसका मानसिक दबाव बहुत ज्यादा है। खास तरफ ये पॉपुलेशन जो डायग्नोस्ड है वो कोविड इन्फेक्टेड पॉपुलेशन के ऊपर और भी बहुत ज्यादा हो जाता है, इसके वजह से इनका मानसिक तनाव ज्यादा है, यही रिपोर्ट्स कहती है और सेकेंडरी सोर्सेस ऑफ डेटा कहते हैं और हमारा स्टडीज भी कहते हैं, हमारा एक्सपीरियंसेस भी कहते हैं। तो इसके इन लोगों को ये फोकस करना एक इम्पॉर्टेंट एरिया है, तो उसको करेक्टली ये एनडीएमए ने पिकअप किया है। और बिकॉज सब लोग लार्जर पॉपुलेशन को ही एक्चुअली फोकस कर रहे थे, बट इन पॉपुलेशन को खास तरफ क्या किया है, इन लोगों को सिर्फ मेडिकल का जरूरत यह है और मानसिक का जरूरत यह नहीं है, जैसे ने ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बोला है। खास तरफ डिजास्टर मैनेजमेंट में लोग एक्चुअली जो विजिबल चीज को ही एक्चुअली देखता है, ये सब इनविजिबल चीज है। आपका मन कैसा लगता है, आपका उदासीपन लगता है और आपका बेचैनी लगता है, आपका घबराहट लगता है और आपको कुछ किसी के साथ बात करने के लिए मन, ये सब इनविजिबल चीज है, ये सब छोड़ा जाता है। इसकी वजह से इनका मानसिक तनाव ज्यादा भी हो जाता है। तो इनके वजह से ये एनडीएमए का ये इनिशिएटिव है, एक वन ऑफ इट्स काइंड इनिशिएटिव है, और ऐसा इनिशिएटिव्स बहुत जगह पे हुआ है, बट ये स्केल एंड मैग्निट्यूड ये पूरा देश को कवर किया है और डेडिकेटेडली ये वॉलेंटियर्स को लगाकर इनको फॉलो अप किया है और इनके साथ एक मौका दिया है अपना डर, अपना सोच और अपना एक्चुअली वो अप्रिहेंशन बोलते हैं ये उदासी और मन मन में क्या ये लोग एक्चुअली चल रहा है। तो हमको हमको एक चीज चल रहा था खास तरफ, ये मर जाएंगे, खास तरफ सब लोग ये इन्फेक्शन हुआ तो मर जाएंगे, तो इसको एक्चुअली लोग बोल भी नहीं पाते थे और अंदर भी नहीं रख पाते थे, और मेरे तरफ से मेरा परिवार को आ जाता है, तो ये सब के लिए ये सब मन के अंदर चल रहा होता, तो इसके वजह से ये एनडीएमए का इनिशिएटिव एक आश्वासन दिया है। तो इनविजिबल कंपोनेंट को वो क्या है, इसके वजह से इनका फंक्शनालिटी बहुत बेटर हुआ है, यही एक्चुअली ज्वाइंट सेक्रेटरी ने बोला है। जी वो इतना ही है मेरा आपका सवाल का जवाब। जी जय कुमार जी, हमारे साथ डॉक्टर चेतना भी जुड़ी हुई हैं। डॉक्टर चेतना, आपने एनडीएमए के काउंसलर्स को ट्रेनिंग दी, आपके संस्थान ने, इस ट्रेनिंग में मूल रूप से
सेवा भाव और किस तरह से देश पे ये जो संकट है, इस संकट से उबरना ये रहा, या फिर जो नौजवान जो इसके इसमें जुड़े, और खासकर ये भी जानना चाहेंगे कि कौन से वर्ग के या कौन से उम्र के ज्यादा लोग वॉलेंटियर के लिए तैयार हुए इस पूरी मुहिम में? जी, ये एनडीएमए का इनिशिएटिव रहा है, जो पहल रही है। एक तो मैं सबसे पहले ये कहना चाहूँगी कि अभी इस तनाव के साथ जूझने के लिए और मानसिक स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए काउंसलिंग और परामर्श की जो इम्पोर्टेंस है, जो उसकी अहम भूमिका है, वो ध्यान में रखकर ये इनिशिएटिव शुरू किया गया था। और जब एनडीएमए ने ये पहल अपनी आगे बढ़ाई इस उद्देश्य से कि मानसिक स्वास्थ्य का सपोर्ट दिया जाए, लोगों को मदद की जाए, तब बहुत सारे ऐसे काउंसलर्स थे जो ऑलरेडी प्रोफेशन से जुड़े हुए थे, जो चाहते थे कि वो कंट्रीब्यूट कर सकें, जो एक तरीके से अपनी जो भी क्षमताएं हैं काउंसलिंग की या परामर्श की, उसका कुछ उपयोग कर पाए ऐसे एक संकट के समय पे। तो काफ़ी सारे वॉलंटियर्स इस पहल के साथ जुड़ गए। और जैसे कि आपने कहा कि ये एक किसी वर्ग से सीमित नहीं थे, हमारे पास कुछ काउंसलर्स हैं जो एकदम नए हैं, जो अभी ट्रेनिंग करके नए नए कार्य क्षेत्र में जिन्होंने अभी शुरुआत की है, और कुछ काउंसलर्स ऐसे हैं जिनके पास बहुत सालों का अनुभव है। और ये जो एक तैयार हुई है पूरी एनडीएमए की टीम, उससे एक माहौल ऐसा तैयार हुआ है जहाँ पे सब एक दूसरे से सीखने के लिए बहुत तत्पर हैं और अपने अनुभव एक दूसरे के साथ बांटकर ट्रेनिंग में और सुपरविजन में, जो बहुत संदर्भ विशेष कोविड रिलेटेड जो हमारे सामने चुनौतियां आई हैं, उसको काउंसलिंग के द्वारा पूरी करने की कोशिश कर रहे हैं। डॉक्टर चेतना, क्या आपको लगता है कि इस बीमारी, खासकर कोविड-19 के दौर में, हम शुरुआत में जिस तरह से लगातार हम बीमारी से बचने के तमाम और प्रयास कर रहे थे, लेकिन कहीं ये पहलू छूट रहा था कि जिस मानसिक तनाव से मरीज गुजर रहे हैं, उनके घर वाले गुजर रहे हैं, क्योंकि सबके बीच में एक दूरी आ गई थी, तो जहां सिर्फ मरीज एक मानसिक तनाव से गुजर रहा है, उसके घर में जो अन्य लोग हैं वो भी एक मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा। शुरू में हमारा जितना भी फोकस था, जो हमारा काम का, वो ये था कि हम लोगों को सुरक्षित कैसे रख सकते हैं, और उसको लेके काफ़ी तनाव था और लोगों के मन में बहुत चिंताएं थी कि ऐसा ना हो जाए कि हमें कोविड हो जाए या हमारे घर परिवार के लोगों को कोविड हो जाए, और सारा फोकस उसी पे बना रहता था। लेकिन धीरे धीरे हमने जब काउंसलिंग करनी शुरू की, तो हमें पता चला कि ये जो मानसिक प्रभाव है इस पूरी परिस्थिति का, वो बहुत ज़्यादा है और काफ़ी सारे स्तर पर ये प्रभाव पड़ रहा है। क्योंकि क्या हुआ, जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे इसके बारे में, लोगों के आर्थिक संकट बढ़ गए या उनके कार्य को लेके कुछ तकलीफें शुरू हो गई, कुछ सामाजिक परेशानियां भी आने लगी, तो उन सब का भी लोगों के मानसिक स्वास्थ्य पर बहुत ज्यादा असर हुआ। तो ये जो तनाव बहुत लंबा चलता रहा, बीमारी की जो चिंताएं थी, जो उसको लेके घबराहट थी, वो आगे बढ़कर आगे चीजों में भी और बढ़ गई। तो जैसे हमने देखा कि बहुत सारे लोगों में, परिवारों में, जब कोई घर के परिवार के लोग बीमार पड़े, तो उसका भी बहुत ज़्यादा तनाव लोगों के मन में था। और यदि किसी के परिवार में किसी का निधन होता है या कोई लॉस होता है इस वक्त, उससे भी बहुत सारी मानसिक स्थिति पर असर पड़ता है। दूसरा ये भी हुआ कि कोविड की वजह से बहुत ज़्यादा जो स्टिग्मा बढ़ गया था हमारी सोसाइटी में, तो लोगों के मन में एक नकारात्मक धारणा आ जाती है या लोग भेदभाव करने लग जाते हैं, उसका भी एक हमने देखा कि ये जो प्रक्रिया शुरू हो गई थी, लोग उसके बारे में भी चर्चा कर रहे थे जब हम उन्हें उनके साथ बातचीत कर रहे थे काउंसलिंग के द्वारा। जी संदीप साहब, देश में एनडीएमए ने उस एक तरह से उस सोच को बदला है कि आपदा के समय सिर्फ जो लोग उससे उसका शिकार हो रहे हैं, सिर्फ उन्हीं को उसका समाधान नहीं ढूंढना, बल्कि समाज में जो बाकी लोग हैं, शायद जो लोग ठीक हैं, जो उससे उस समय उस आपदा से ग्रस्त नहीं है, उनकी भी एक भूमिका है समाज के अन्य लोगों के लिए। एक इस भाव को जगाया है क्या कोविड-19 के इस प्रयास के तहत भी, जो अप्रैल से एनडीएमए कर रहा है, इस प्रयास को आगे बढ़ाने में आपने इस बदलाव को और व्यापक रूप दिया समाज में, क्योंकि लगातार वॉलेंटियर्स आपसे अभी भी जुड़ रहे हैं इस सेवा के लिए आगे आने के लिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने। जब हमने वॉलेंटियर्स के लिए पहली बार सोशल मीडिया में एडवर्टाइजमेंट दिया कि हमें ऐसे वॉलेंटियर्स की जरूरत है और हम
ऐसा प्रयास चालू कर रहे हैं, तो हमें उसका बड़ा व्यापक रेस्पॉन्स मिला। और जैसा कि चेतना जी ने कहा कि हमें बहुत सभी तरह के सेक्टर से लोगों का रेस्पॉन्स मिला, जो बहुत एक्सपीरियंस्ड साइकाइट्रिस्ट थे उन्होंने भी दिया, जो नए लोग थे उन्होंने भी दिया। उसके बाद फिर धीरे धीरे जब लॉकडाउन वगैरह खुला तो फिर कुछ लोग अपने कार्य में व्यस्त हो गए तो दूसरे लोग नए जुड़े। तो ये हमने देखा कि हालांकि शुरुआत में हम ना तो कुछ उसके लिए पेमेंट कर रहे थे, ना कुछ इस तरह की व्यवस्था हम लोगों ने की थी, लेकिन वॉलेंटियर्स ने काफी समय लगाकर और काफी सीरियसली इस काम। तो आपने ये जो कहा कि समाज में जो लोग अफेक्टेड नहीं है वो भी बाकी लोगों के लिए काम करें, इस बात की इससे बिल्कुल पुष्टि हुई कि हमारे समाज में ऐसे बहुत सारे लोग हैं। दूसरा जो आपने प्रश्न किया कि क्या हम लोग इसको आगे बढ़ाने की बात सोच रहे हैं, तो अभी हम लोगों का एक प्लानिंग है कि हम लोग कुछ स्टेट्स में जहाँ पे COVID-19 ज्यादा संख्या में मरीज हैं वहाँ पे राज्य सरकारों से बात करके और स्टेट लेवल पर भी इस तरह के हेल्पलाइन शुरू करें, खास करके क्योंकि अभी हम COVID-19 मरीजों तक तो पहुंच रहे हैं लेकिन कुछ और ऐसे लोग हैं जो काफी मानसिक दबाव में हैं, जैसे स्वास्थ्य में जो स्वास्थ्य कर में काम कर रहे हैं, जैसे डॉक्टर्स पैरामेडिक्स हैं जिनको लगातार अस्पतालों में काम करना पड़ता है और इसके कारण वो हायर रिस्क पे होते हैं या अपने परिवार से दूर रहते हैं। इसी तरह से जो पुलिस में है या इस तरह के बलों में है जिनको हायर रिस्क रहता है, तो उन ऐसे लोगों पर भी काफी मानसिक दबाव रहता है। दिल्ली में हम लोगों ने दिल्ली पुलिस के साथ मिलकर दिल्ली पुलिस के लोगों के लिए इस तरह का कार्य किया है, जी तो हम लोगों का विचार है कि ऐसे जो फर्स्ट रेस्पॉन्डर्स हैं उनके लिए भी स्टेट गवर्नमेंट्स के साथ मिलके उनको मानसिक रूप से सपोर्ट करने के लिए हम लोग हेल्पलाइन चालू करें ताकि उनको भी थोड़ी सहायता मिल सके। जय कुमार जी, क्या इन पेशेंट्स के लिए ध्यान में रखने के लिए घर वालों के लिए कुछ संकेत आप दे सकते हैं कि COVID-19 के जो मरीज हैं उनका मानसिक तनाव बहुत ज्यादा बढ़ तो नहीं गया है, किस तरह से उन्हें इस तनाव से मुक्त करें? अगर कोई काउंसलर नहीं भी है साथ में तो घर वालों की क्या भूमिका होनी चाहिए? जी बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि शुरुआत में खासकर मार्च अप्रैल में कोविड को लेके लोगों के मन में बहुत आशंकाएं थी और बहुत घबराए हुए लोग थे, तो जिसको भी कोविड हो जाता था उसको एक तरह से परिवार वाले या मित्र या आसपास के लोग उसको काफी शंका की निगाह से देखते थे। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि अन्य बीमारियों की तरह COVID-19 भी एक बीमारी है, और जैसा कि आपने शुरुआत में कहा कि भारत में रिकवरी रेट काफी अच्छी है, ज्यादातर मरीज ठीक हो जाते हैं, जल्दी ठीक हो जाते हैं। जी तो सिर्फ जो स्वास्थ्य विभाग ने, भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग ने या डॉक्टरों ने जो बताई है कि जो प्रिकॉशंस लेनी है, उन मरीजों के बिल्कुल पास नहीं जाना है या उनको स्पर्श नहीं करना है, उनको थोड़ा आइसोलेशन में रखना है, उसके अलावा उनसे बातचीत जारी रखी जाए, उनको ऐसा नहीं लगने दिया जाए कि वो बिल्कुल अकेले हो गए हैं, आइसोलेट हो गए हैं, उनका मनोबल बढ़ाया जाए कि वो ठीक हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि वो बिल्कुल, जैसे अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि उन्हें ये लगता है कि वो मर जाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये एक सामान्य बीमारी है जो वो जिसको वो आराम से पार कर लेंगे जी और संदीप परिवार साहब, वाले मित्र सब लोग जी उनके साथ हैं। तो फिजिकल डिस्टेंसिंग को एंश्योर करते हुए जब जी ये मनोबल, जिसे हम साइकोलॉजिकल फर्स्ट एड कहते हैं टेक्निकल टर्म्स में, वो अगर, क्योंकि वो सबसे अच्छे ढंग से परिवार और बिल्कुल मित्र उस ही कर साइड सकते हैं, बिल्कुल, और वो उसमें अगर परिवार की भूमिका उनसे बहुत किया बड़ी हो जाएगा जाती है तो संदीप जी। उनपे जय मानसिक कुमार जी भी दबाव अपने हमारे आप साथ जुड़े हुए हैं कम संदीप हो जी। जाएगा। जय कुमार जी, खासकर उन पेशेंट्स के लिए किस तरह के कंसर्न की जरूरत है या एहतियात बरतने की जरूरत है जिनके जो ऑलरेडी या तो वनरेबल हैं, जैसे मान ले बच्चे हैं, बूढ़े वृद्ध लोग हैं घर में, या फिर किसी को अगर साइकेट्रिक प्रॉब्लम है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है, उन जैसे लोगों को अगर COVID-19 से वो ग्रस्त होते हैं तो उस समय किन बातों पर ध्यान देने की जरूरत है? देखिए ऐसा है कि जो अभी तक का अनुभव है उसमें यह है कि जो जिन लोगों को संदीप अन्य सर, कोई ये जय बीमारियां कुमार हैं, जी गंभीर को जवाब बीमारियां देना है हैं जी। या जो ओल्ड एज में हैं, उन लोगों को थोड़ा COVID-19 से ज्यादा खतरा हो सकता है।
तो उन लोगों के साथ भी मानसिक रूप से उनको स्टेबल रखने के लिए, उनको सपोर्ट करने के लिए, जैसे मैंने कहा कि उनकी घबराहट को, अकेलेपन को कम करने की जरूरत है। उन्हें ऐसा महसूस नहीं होना चाहिए कि वो बहुत हाई रिस्क पे हैं या उनका कोई उनके साथ नहीं है। तो जो हमारे काउंसलर्स भी बात करते हैं तो उनकी बातें सुनते हैं, उस दौरान सिर्फ उनसे सामान्य रूप से बात करना या उनकी जो घबराहट है उसको सुनना, वो अपने आप में एक साइकोलॉजिकल वेंट करना है उसको, उससे भी उनको सपोर्ट मिलता है। डॉक्टर जी, डॉक्टर चेतना भी हमारे साथ जुड़ी हुई है। संदीप साहब, डॉक्टर चेतना, ये जो काउंसलर्स हमारे तैयार हो रहे हैं, परिवार वाले मित्र वगैरह हैं, वो सब उनके साथ हैं, और अगर उन्हें कोई भी ज्यादा बीमारी हुई तो उन्हें सभी तरह की सहायता अस्पताल में या घर पर मिलेगी। बिल्कुल संदीप, इतना होने से मुझे लगता है जी, संदीप जी, डॉक्टर चेतना भी संदीप जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। परेशानी ठीक नहीं हो रही है तो फिर जो लोकल साइकाइट्रिस्ट हैं या जो अस्पताल हैं उनसे मानसिक रूप से सहायता लेने की या डॉक्टरों की सहायता लेने की जरूरत है। जी डॉक्टर चेतना, जो काउंसलर्स जुड़ रहे हैं, क्या उनके लिए भविष्य में भी इस दौरान, इस संकट में जो वो एक तरह से कह सकते हैं वॉलंटियर कर रहे हैं, इसका कोई उन्हें आने वाले समय में अपने प्रोफेशन में या किसी और तरह का कोई फायदा भी उन्हें हो सकता है क्या व्यावसायिक तौर पर? जैसा मैंने कहा कि जो वॉलंटियर संदीप साहब, संदीप साहब, ये सवाल डॉक्टर चेतना से है। जी मेरा ये मानना है कि बिल्कुल अभी इस वक्त बहुत अलग परिस्थिति है और इस परिस्थिति को के साथ काम करने के लिए जो हमें क्षमताएं चाहिए, जो हमें कौशल चाहिए, हमारी ट्रेनिंग और सुपरविजन के द्वारा हम उसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं ताकि जो काउंसलर्स हमारे साथ जुड़े हैं वो अपनी जानकारी बढ़ा सकें, जो कौशल चाहिए उसका विकास कर सकें, अपने ज्ञान को बढ़ा सकें। तो ये जो ज्ञान और कौशल वो अभी प्राप्त कर रहे हैं वो आगे उनके विकास और उनके आगे जाके कार्य क्षेत्र में बहुत मदद भी करेगा, क्योंकि ऐसी बहुत सारी जिसको हम कहते हैं क्राइसिस सिचुएशंस सामने आ रही हैं। जिस तरह से हमने कहा कि यदि हम लोगों को फ़ोन कर रहे हैं तो कई बार जब हम फ़ोन करते हैं तो वो हमें बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में मिलते हैं, या कई बार वो हमें ऐसी कुछ चीज़ें बताते हैं जो जो बहुत ही तकलीफ वाली या दुख वाली परिस्थितियां हैं जो जिससे वो गुजर रहे हैं। तो इन सब चीजों को कैसे परामर्श के द्वारा इसे काम करना है वो यदि हम सीख जाएं तो वो आगे चलकर भी यदि ये सारी चीजें हमारे काम में आगे आती हैं तो हम उन सारी चीजों को आगे अपने काम में भी लेके आ सकते हैं। तो मेरा ये मानना है कि ये ट्रेनिंग्स अभी तो डेफिनेटली काम आएंगी क्योंकि हम इस COVID-19 के दौर से गुजर रहे हैं और अभी ये पूरी परिस्थितियां बिल्कुल सुलझी नहीं है, अभी भी काफी सारा तनाव बना हुआ है, लेकिन आगे जाके भी यदि ये काउंसलर्स बहुत क्राइसिस में लोगों को देखेंगे तो लोगों के ग्रीफ के साथ कैसे काम करना है, बहुत ज्यादा यदि कोई परेशानी में है तो कैसे उनको काम करना है और कैसे काम डाउन करके आगे बातचीत करनी है और परामर्श करना है, स्टिग्मा रिलेटेड जो इश्यूज हैं उनके साथ कैसे काम करना है, तो ये सब कौशल उनके साथ हमेशा रहेगा और आगे जाके वो शायद जो नई पीढ़ी है उनको भी ये सारा कौशल और जो विद्या उन्होंने प्राप्त की है आगे दे पाएंगे। जयकुमार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर चेतना, जयकुमार जी, जिस तरह से डॉक्टर चेतना ने कहा कि ये समय अभी पूरी तरीके से सामान्य नहीं हुआ है, तो जो चुनौतियां शायद अप्रैल मई जून में थी वो अब आने वाले समय में भी आगे दिखाई देंगी, तो ऐसे में जब हम तनाव की बात करते हैं, मानसिक तनाव की, तो खासकर उन पेशेंट्स के लिए जो ऑलरेडी साइकेट्रिक पेशेंट्स हैं, साइकोलॉजिकल पेशेंट्स हैं, उनके लिए किस तरह के एहतियात बरते जाएं? इनका एक चीज है, जैसे दो तरीके के इंटरवेंशन होता है, जैसे ने जॉइंट सेक्रेटरी ने बताया था, जो किसी का मन का उदास है और किसी के पास उनका मन नहीं है बात करने के लिए, थोड़ा डर है, ये सबको बेसिक ट्रेनिंग से उनको एक्चुअली आश्वास दे सकते हैं। ये जो पॉपुलेशन आप बोल रहे हैं इसके पहले ही एक्चुअली प्री डिस्पोज्ड है कुछ मानसिक बीमारी को, उनको बहुत सारा डर हो जाता है, वो लोग ऑलरेडी आइसोलेटेड है, दूर रखा है इनका बीमारी की वजह से, ऑलरेडी इनका दबाव प्रभाव चल रहा है उनका मानसिक बीमारी से, तीसरा है इनका वो जो दवा वगैरह और फॉलोअप वगैरह करना चाहिए था
टाइम टाइम पे वो नहीं हो पा रहा है, तो इसके वजह से इनको भी एक्चुअली ये रिलैप्स हो जाएगा, नहीं हो जाएगा और बीमारी और एक बार आ जाएगा, तो इसमें एक्चुअली इन लोगों को बहुत परेशानी हो जाता है। तो इनको तो लोकल तरफ से बहुत सारा सिस्टम्स ऑलरेडी हमारा देश में बन चुका है, जैसा हर एक डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट मेंटल हेल्थ प्रोग्राम है, इसमें टीम है, साइकाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, साइकाट्रिक नर्सेस, साइकाट्रिक सोशल वर्कर, इनसे एक्चुअली ये दवा वगैरह मिल जाता है। अगर जो लोग इन लोगों को फॉलो अप नहीं भी कर सकते, नहीं जा सकते हैं बिकॉज ऑफ लॉकडाउन, बिकॉज ट्रांसपोर्ट नहीं है, तो इनको लोकल से ही मिल जाता है। और हर एक केंद्र सरकार भी और राज्य सरकार भी और इवन जिला सरकार भी इसके व्यवस्था किया है अपने अपने स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ जुड़े होकर, और ये इनका एक्चुअली वो कंटिन्यूटी रखना पड़ेगा ये इंटरवेंशन, ये मेडिकेशन का तरफ से, साथ साथ इनका ये साइको सोशल सपोर्ट, ये मानव सामाजिक मदद इनको एक्चुअली उनको मिलना चाहिए। बिल्कुल जय कुमार जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं कि थोड़ा प्रोटोकॉल्स है, कि लगातार कोविड 19 के मरीज जिस तनाव से गुजर रहे हैं, और भी एक्चुअली हो सकता है, तो इनको एक्चुअली एक रूटीन में आना चाहिए। और दूसरा है जैसा बहुत ज्यादा न्यूज देखना, ये भी एक एक्चुअली इनको ये डर फैला जाता है। तो ये सारे वो एहतियात हैं, यानी कि उन खबरों से जरूर बचें, कोविड 19 के मरीज भी और उनके साथ रहने वाले लोग, जो नकारात्मक खबरें हों, अपने आप को उन चीजों में व्यस्त करें जिनमें आपको खुशी मिलती हो, जिनमें कुछ सकारात्मकता हो, घर में लोगों के साथ बैठें, बात करें, और लगातार एनडीएमए अप्रैल से ही जो ये प्रयास कर रहा है उसके बड़े असर भी दिखाई दिए हैं, क्योंकि तकरीबन 50,000 मरीजों से एनडीएमए ने अपने काउंसलर्स के जरिए संपर्क किया, जिसमें से 40,000 बेहतर भी हुए हैं। हमारे साथ तीनों ही मेहमान जुड़े इस पूरे विषय पे, उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। संदीप साहब आपका, जय कुमार जी आपका और डॉक्टर चेतना आपका, आप तीनों का ही इस विषय पे विस्तार से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन हम एक बार फिर अपने सभी दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आप लोग ध्यान रखें अपना, इन बातों पर ध्यान रखें जो लगातार डॉक्टर्स कह रहे हैं कि इस दौरान आपको एहतियात बरतना है। जहां एक तरफ फिजिकल डिस्टेंसिंग, सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, वहीं दूसरी तरफ मास्क लगाए बिना बाहर न निकले और अपने घर वालों के मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखें। बहुत बहुत शुक्रिया। इस एपिसोड में आज बस इतना ही, मिलेंगे अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ आपदा के सामना में। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार। कोरोना झूलता उछलता है, दौड़ता कभी कभी दौड़ कर रहता है, आगे आगे बढ़ता है इंडिया, अमूल दूध पीता है इंडिया। मम्मी की छुटकी, डैडी की गुड़िया, पल में जो भर दे खुशियों से दुनिया।